ये सारा जहां जोखिम है पर हम हैं तिरंग तो डरते नहीं, छू लेंगे आसमां। तुमने आने में बहुत देर कर दी कैप्टन मसल, अब मैं बनने जा रहा हूँ इस दुनिया का राजा। तो तुम ऐसा सोचते हो सिनेप्स, मैं तुम्हारे चेहरे से शैतानी हंसी को मिटा दूंगा। मैं इन सब से बहुत परेशान हो चुका हूँ। जॉन, आखिर हुआ क्या है? वही हमेशा की बात, मुझे फिर से फुटबॉल की टीम में लास्ट चुना गया। ऐसे कमजोर हरकत से मैं परेशान हो चुका हूँ। वैसे कोई भी उतना ताकतवर नहीं हो सकता है जितना कि मैं हूँ। टीचर मुझे लगता है कि नेवरलैंड की छोटी सी यात्रा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। नो थैंक्स, मुझे वैसे भी बुक पढ़नी थी। क्या तुम नेवरलैंड नहीं आना चाहते? कम ऑन जॉन, मुझे पता है तुम्हें बहुत मजा आएगा। क्या नेवरलैंड इसीलिए नहीं है ताकि हम अपनी परेशानियाँ भूल जाएं? हाँ ठीक है, कम ऑन टिंक फेरी डस्ट। और चलो चले नेवरलैंड की ओर। शायद मुझे वहां हंसने का मौका मिले। वहां पर हमारे लिए जरूर कोई सरप्राइज होगा। हे सुनो, देखो हमें आज सुबह क्या मिला। ए मड़ी रे, ये तो ब्यूटीफाइज फायरफाइज है। ये बहुत सचमुच बहुत शानदार है। ये पौधे पर फूल की तरह लगते हैं और जब इन्हें आसमान में फेंको तो फट जाते हैं आतिशबाजी की तरह। जितना ऊंचा उछलेगा उतनी बड़ी आतिशबाजी होगी। हम एक कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, तुम खेलना चाहोगे? हमने अभी अभी टीम बनाई है। हाँ बिल्कुल। पीटर हमारी टीम में। गुड चॉइस, तुमने सबसे बेहतर को चुना है। हम वेंडी को ले रहे हैं। माइकल यहाँ जाओ। शर्त लगा लो, हम ही जीतेंगे। अब फिर से नहीं। तो ठीक है, हम जॉन को लेते हैं। हे टिंक, तुम रेफरी हो, ओके? ओके, तुम्हारे पास 30 सेकंड है डिसाइड करने के लिए कि तुम किस तरह खेलोगे। ओह नो। क्या यहाँ पे कोई खजाना है क्या? कोई खजाना नहीं, आपने झूठ कहा। हमें ढूंढने के लिए जाना चाहिए ललिता। अरे तुम कप्तान को जगा दोगे? तो बताओ कहाँ जाए। तुमने बहुत देर कर दी। हाँ बोलो क्या है? कैप्टन वाह, हम पूरी तरह से टूट चुके हैं और सारा दल विद्रोह पर उतर आया है, हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि विद्रोह को दबाना कितना आसान है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब की सिचुएशन एक जैसी है और ये कहते हुए अब ये और नहीं चलेगा कैप्टन। हाँ, अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो छीलने के लिए एक भी आलू नहीं बचेगा। अरे छीलने के लिए एक भी आलू नहीं बचा, आई एम इन हेवन। मैं कहता हूँ हमें खजाना ढूंढना चाहिए। ओ, तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि इस तरह तुम्हें खजाना मिल जाएगा? आज तक इतने सालों से हमें इस आइलैंड पर कुछ नहीं मिला। अरे ये क्या कर रहे हैं आप कैप्टन, इस आइलैंड पर खजाने जैसी कोई चीज है ही नहीं। दरअसल बात यह है कि मैं ये कह रहा था कि अब का मुझे नोट बनाते रहना चाहिए। खजाना नहीं है, तुमने झूठ कहा। ललिता आओ। हाय। अरे कैप्टन वो कहीं मतलब नहीं था, हमें खजाना ढूंढना ही चाहिए। क्या आपको लगता है कि हमें एक बार मरमरिंग ट्री के पास जाना चाहिए? मरमरिंग ट्री? तुम गंभीर नहीं हो सकते स्मी, इच्छाएं ज्यादातर समय मुश्किल में डाल देती है, समझे तुम? अरे पर हमको लगता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अरे मैं हमेशा से लास्ट आते आते थक गया हूँ। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि जॉन डार्लिंग कितना ताकतवर हो सकता है। द मर्मरिंग ट्री, मुझे पता था वो यहाँ है।
मुझे नतीजों की जरा भी परवाह नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरा दिमाग ताकत में बदल जाए। कुछ भी नहीं बदला। मैं तो जोर से गिर गया। सो फनी, जॉन हैज बीफी मसल्स। जॉन हैज बीफी मसल्स। अब ये तुम्हारा मर्मरिंग ट्री कब आएगा? अभी थोड़ी देर में उसके पास पहुंच जाएंगे, है ना कैप्टन वा? मुझे पता नहीं कि ये सही रास्ता है कि नहीं। जब मैंने कहा पूरा आइलैंड देखा तो ये बिल्कुल सच नहीं था। बहुत जगहें हैं जहां हमने अभी तक नहीं खोजा है। वहां वह पौधा देख रहे हो ना, हमने उसकी जड़ों में नहीं ढूंढा है। अरे आप हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ना? कैप्टन वा, वो देखो वहाँ का है। स्मी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अगर मैं जॉन को पकड़ लेता हूँ तो उसके बदले मैं पीटर पैन से फिरौती मांग सकता हूँ और बड़बड़ाते पेड़ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या आपको लगता है ये आइडिया काम आएगी कैप्टन वा? क्यों नहीं आएगी? लुटेरो, उस छोटू का पकड़ो, उसकी कीमत सोने से कम नहीं। ओ लुटेरो, मैं कमाल का हूँ। मैंने उन्हें कुचल दिया। मेरा मतलब है कि मैंने उन्हें पटक ही दिया। नो, पटका नहीं। ओ नहीं, मैं एक बॉम हूँ। ऐ बुड़बक, तू समझदार दिखता है, क्या बता सकते हो कि दो और दो कितने होते हैं? आए बताओ। दो प्लस दो होते हैं, मुझे पता है। दो और दो होते हैं दो। मुझे पता था कैप्टन वा, जॉन ताकतवर बन गया है पर मूर्ख भी बन चुका है। मरमरंग ट्री का कमाल है ये। हाँ समझे। तो मैं क्या करूँ मिस्टर स्मी? अगर मैं उसे नहीं पकड़ता हूँ तो फिरौती को मुझे अलविदा कहना पड़ेगा और मुझे पूरी करनी है एक विश। अगर हम उस मूर्ख को आपके लिए विश मांगने के लिए मनवा ले तो पलट कर जो नुकसान होगा वो उसी का होगा, समझे तुम? माई तो सोच लीजिए। तो दो प्लस दो दो होते हैं, यू सिली सॉसेज, मतलब मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, वेल आई एम सो सॉरी सर, अपना मैथ्स अपने पास रखिए, मेरे सारे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं। ये पॉइंट मिलता है माइकल की टीम को। बारी है जॉन और पीटर की। चैंपियंस के लिए रास्ता छोड़ दीजिए। जॉन, अब जॉन कहाँ गया? उसे भूल जाओ पीटर, वो कहीं बैठकर रो रहा होगा। ओके, तो ब्लू टीम, तुम जॉन की जगह अपना सबसे अच्छा प्लेयर भेज सकते हो। वेंडी, हाँ ये बेस्ट है। हारने के लिए तैयार हो पीटर? तुम लकी थी कि मेरे हाथ से फिसल गया। अरे कैप्टन वा, हमका एक आइडिया आया है, क्यों ना एक गेम खेले हम लोग? तो पहले किसको चुने रे बाबा? मुझे 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 पहले। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। इस गेम के कुछ रूल्स है। हेड्स आया तो तुम जीते, टेल्स आया तो हम हारे। ठीक है। ओ, टेल्स आ गया, हम हारे रे। ओ, आई एम सो सॉरी सर। अरे हम भी, पर अगर हम हार गए तो इसका मतलब तुम जीत गए हो। मैं जीत गया। अरे वो चीटिंग कर रहा है, हेड्स और टेल्स एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा। मैं जीत गया, पर मैं क्या जीता हूँ वो तो बताइए। आज तुमने जीता है कैप्टन वा की जगह पर विश मांगने का मौका। चलो मरमरिंग ट्री के पास चलत है, चलो। वेल मिस्टर स्मी, मैं इम्प्रेस हुआ, तुम ब्रेनलेस लोगों से डील करने में बहुत अच्छे हो। मुझे स्पेशल क्रेडिट नहीं चाहिए कैप्टन वा, क्योंकि मैं रोज डैगन को झेलता हूँ। हाँ तो सिली सॉसेज, अब मेरा मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, मेरी विश ये है कि मैं जो कुछ भी छूं वो सोना हो जाए। मेरी विश है कि कैप्टन जो भी छुए
वो सारा का सारा सोना बन जाए जल्दी से जल्दी। बहुत ही शुक्रिया जॉन, अब तुम दोस्तों के पास वापस जा सकते हो। ओके थैंक यू, बाय गाइस। हाँ, दुखने लगा। देखा स्मी, ये काम कर रहा है, देखो। ओहो, सोना 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 सोना। हाँ, मैं सब कुछ सोने में बदल सकता हूँ। आगे आओ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ताकि मैं तुम्हें गले लगा सकूँ। कैप्टन बहुत अजीब है, गले लगाना चाहते हैं? कैप्टन वाह, मुझे लगत है कि आप अपने आप में नहीं हो, पगला गए हो। ये विष आपको बैक फायर कर सकती है, जॉन को बुलाकर ये पलट देगा। अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो तुम सबके स्टैचू बना दूंगा और जॉली रॉजर पर सजा दूंगा, समझे? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मेरी विष को पलटने के लिए इस पेड़ के आस पास भी नहीं आएगा, समझे? क्या उस बॉल को तुमने फेंका? नहीं, मैंने फेंका। जॉन की बॉल सबसे ऊपर गई है। जॉन, कहाँ थे तुम? मुझे कुछ भी याद नहीं सच में, पर अब मैं सुपर से भी ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग हूँ। वाव, ये कैसे किया तुमने? मुझे नहीं पता, पर क्या तुमने ये सब नहीं देखा? मेरे बाइसेप और मैं, अब हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब मैं सुपर स्ट्रॉन्ग हूँ, आज से मुझे चश्मे की जरा भी जरूरत नहीं। ओह वेंडी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जॉन सुपर स्ट्रॉन्ग हो गया है, पर सुपर डम भी हो गया है। शायद वो मर्मरिंग ट्री पे गया था। तुम्हारा चश्मा यहाँ है जॉन। पायरेट्स, पायरेट्स। हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, तुम्हारी मदद चाहिए हमका। ये कैप्टन के बारे में है, वो पागल हो चुके हैं। अरे वो हमें गले तक लगाना चाहते थे। रुको, शांत हो जाओ, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। एक्चुअली हमारा मतलब है कि कैप्टन वाने जॉन के जरिए मर्मरिंग ट्री से एक विश मांगी थी कि वो जहाँ भी छुए वो चीज सोना बने। ओ, बस इतनी सी बात है, पर ये तो बहुत आसान है। जॉन को बस मर्मरिंग ट्री के पास जाना है और अपनी विश वापस लेनी है और काम हो जाएगा। एक्चुअली इतना आसान नहीं है, क्योंकि कैप्टन वा ने डिसाइड किया है कि चाहे कुछ हो जाए मर्मरिंग ट्री की निगरानी करेंगे और उन्हें हराना आसान नहीं होएगा। हाँ मिस्टर स्मी, तुम अभी भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, और अब तो जॉन भी मेरे साथ है। हाँ, अब ये लोग मुझे बुलाएंगे सुपर टफ जॉन। तो चलो चलते है टेंक, और तुम लुटेरो सिचुएशन का फायदा उठाकर कोई गंदी चाल चलने की हिम्मत मत करना। चिंता मत करो पीटर, हम इन पर नजर रखेंगे। जल्दी करो, इससे पहले कि हु पेड़ को सोने में बदलने की सोचे हमें वहाँ पहुँचना होगा। क्यों? क्योंकि फिर कितनी भी कोशिश करें हम विश को बदल नहीं पाएंगे। कहीं इसका दिमाग सच में खराब तो नहीं हो गया? ये पेड़ मेरा है, सिर्फ मेरा, कोई भी इसके पास नहीं आ सकता, कोई भी। कौन हंस रहा है? ये तो मैं ही हूँ। हेलो हुप, क्या चल रहा है? पीटर पैन, जहाँ से आए हो वही वापस चले जाओ, नहीं तो स्टैचू बना दूंगा, समझे? तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। चलो देखते हैं। तुम दूर हटो मेरे पेड़ से, चलो निकलो यहाँ से, दो शैतान बच्चे। उससे दूर हटो। चलो जॉन, यही समय है, अपने विश को बदल डालो। हे पीटर, क्या तुमने देखा वो कितना पागल है? उसने पेड़ को सोने में बदलने के बारे में सोचा भी नहीं। नहीं। कोई भी अब मुझे नहीं रोक पाएगा, मैं पूरे नेवरलैंड को सोने में बदल दूंगा। टिंक, जाओ सबको बता दो, हम दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टिंक टिंक टिंक।
का बोलत हो? नेवरलैंड को सोने में बदल देंगे। इसका मतलब जॉन हमेशा के लिए बेवकूफ रहेगा। इससे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। टिंक, तुम पायरेट्स को जॉन और पीटर की मदद करने के लिए लेकर जाओ। चलो जल्दी करो। समझा, हो गया। टिंग 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 टिंग। कम ऑन, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, मैं बाद में सब समझाऊंगी। अरे क्या हमें उस स्लाइड पे राइड मिलेगी? तुमने बहुत देर कर दी है पीटर, अब मैं इस पूरे आइलैंड को सोने में बदलने वाला हूँ। पागल मत बनो हुक। देखो मैं अपने साथ किसे लाई हूँ। पानी में रहने वाले गंदे लुटेरों का झुंड, तुम दुश्मन से क्यों मिल गए? तुम्हें इस धोखे की सजा मिलेगी। एक एक को देख लूंगा मैं, एक एक को देख लूंगा, सब सोने में बदल डालूंगा मैं। अरे जल्दी मेरी मदद करो। मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें और कुछ करना होगा। अरे जॉन मेरी मदद करो। ये मेरे दाएं हाथ का खेल है। तुम मुझसे इस तरह से नहीं बच सकते। ये सब क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पीटर, तुम्हें भी छूता हूँ। कब तक मुझसे बचोगे? पीटर, क्या तुम्हें लगता है लाइफ स्प्रिंग का जल मर्मरीन ट्री की मदद कर सकता है? वेंडी, मेरी बात ध्यान से सुनो। बुलडोर जिला का ध्यान बटाने के लिए तुम्हें थोड़ी सी लाइट यूज करनी पड़ेगी। ओके। सब खत्म हो चुका है वेंडी, हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा। कहाँ तक भागोगे कायरों के झुंड? मैंने पीटर पैन को हरा दिया और इस सोने की नगरी पर मैं जल्द ही राज करूँगा। राज। पर हम कहाँ जा रहे हैं? जादुई गुफा में। चलो चलो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। ये बहुत बड़ा है। कुछ ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे ये राक्षस हमें खा ना जाए। पीटर ने मुझसे कहा था कि ये राक्षस लाइट से डरता है। तुम्हें लगता है ये प्लान काम करेगा? ब्यूटी फिश, फायर फिश, हे, तुमने हमसे ये चुरा लिया? काम आया इसलिए चुराया। जॉन, इस बार तुम्हारी बारी होगी। तुम्हें बस इसे उसकी तरफ फेंकना होगा। हे पॉटोर्जी, यहाँ पे आओ, मेरे पीछे जल्दी। चलो जल्दी भागो, इसे जल्दी से भरो। तुम्हें जॉन की आतिशबाजी पसंद आई है ना? ये लो, वेल बिग शॉट, तुमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। ओ नहीं, अभी एक भी नहीं बचा। बाप रे, ये तो ज्यादा ही खुश हो गया लगता है। टिंकरबेल, फेरी डस्ट, अभी। चलो जल्दी यहाँ से निकले। चिंता मत करो, अब हमारी मदद करने के लिए ये लाइफ स्प्रिंग का पानी है। चलो देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। यस, ये काम कर गया। अरे वाह वाह। जॉन, अब तुम्हारी बारी, तुम्हें अपनी विश वापस लेनी होगी। तुम्हें वो बिल्कुल याद है ना? हाँ, स्मार्ट जॉन ने अपनी विश को लिख कर रखा है, जस्ट इन केस उसे उस विश को बदलना पड़े। मेरी ताकत मेरे दिमाग में जल्दी से बदल जाए। तो कैसा लग रहा है, कुछ अकल आई? तुम्हें याद है कि मैंने वो विश को याद रखा है जो मैंने हुक को बताई थी? हुक ने जो भी सोने में बदला है वो वापस अपने रूप में आ जाए। अरे ये क्या हो रहा है?
ये काम क्यों नहीं कर रहा? अरे ये कैसे हुआ? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी और बर्बाद कर सकता हूँ, पर मैं ये मौका तुम्हारे प्यारे लुटेरे दोस्तों को देता हूँ। प्यारे दोस्तों, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सुनो मेरी बात। अरे 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 मुझे मुझे छोड़ दो। अरे मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। क्योंकि ये बॉल को ऊंचा फेंकती है। ये सिर्फ सिंथिया की वजह से हुआ है। मेरे हिसाब से जॉन इस कंपटीशन का सबसे बड़ा विजेता है। अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। माइकल, मेरे शूज कहाँ है? हाँ, यहाँ पे है। हे, सॉकर खेलने जा रहे हो? हाँ, अब मैं समझ गया हूँ कि बिना ताकत लगाए दिमाग से भी खेला जा सकता है। मैं बनूंगा रेफरी। ओहो, ये तो ऑसम है। हाँ, कभी कभी दिमाग आपकी बहुत मदद करता है।